रेसिपी मैंने वो बताई है जो होटलों में बनती है सेम टू आज सेम। हम चिली स्वीट कॉर्न बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम कॉर्न ले लिए हैं और उसका ऊपर का हिस्सा उतार दिया है, या ऐसे ही साफ किए आते हैं, बस धोकर कटिंग कर लिया है। अब इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच मिर्ची और 1 चम्मच कॉर्न पाउडर। कॉर्न पाउडर अगर ज़्यादा चाहिए तो हम इसमें ज़्यादा भी डाल के पूरा इस पर लपेट जाए इतना डालते हैं। एक एक चम्मच ही डालकर ट्राई करें, पूरा अच्छी तरह से पैक हो जाए। देखिए किस तरीके से ये पूरा मिक्स हो जाता है, क्योंकि हमने पहले से ही एक कॉर्न्स को धो लिया था तो वो आराम से चिपक जाता है, फिर गीला करने की पाउडर ज़रूरत नहीं है। इनको आप अच्छा फ्राई कर लीजिए, और गरम तेल में फ्राई करेंगे तो पूरा अच्छी तरह से कुरकुरी हो जाएंगे। अब हम 5-6 हरी मिर्च लेकर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे शेप में। देखिए ये लंबी लंबी कटिंग की है, जिस तरीके से स्वीट कॉर्न कटिंग करी थी। बचे हुए कॉर्नफ्लोर में डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच टोमेटो सॉस, आप 4 चम्मच भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, क्योंकि सोया सॉस और जो सेजवान सॉस है उससे थोड़ा नमक ज़्यादा ही हो जाता है, तो आप 3 या 4 चम्मच भी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। देखिए मैंने डाल दी है ये टोमेटो सॉस। अब हम डालेंगे सेजवान सॉस। ये देखिए मैंने 4 चम्मच ले ली है, आप थोड़ा कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। अब ये जो चिली हमने काट के रखे हुए हैं वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, मिलाकर देखेंगे। अगर पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। हमने 2 चम्मच ली है सेजवान सॉस, ये डालनी रह गई थी वो हम अब डाल दे रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करें पूरे गोल को, और मिक्स करके ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी डाल सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, नीचे अगर चिपक रहा है तो हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं, नहीं तो इतना भी बस है। नमक एक्स्ट्रा नहीं डालें, क्योंकि ऑलरेडी तो सब चटनियों में सॉसेज में सॉल्ट होता है। लहसुन इसमें अच्छा डाला जाता है। हमने 20-30 कलियां ले ली हैं, उनको छील कर साफ़ कर लिया और महीन महीन इसको कट कर ले रहे हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। अब ये हो जाए फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल लेकर इसको फ्राई कर लेंगे, और जो सॉसेज हमने मिक्स करके रखी हैं फ्राई होते ही इसमें पूरा डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छा भुन जाए उसके बाद हमने जो स्वीट कॉर्न को फ्राई करके रखा हुआ है क्रिंची क्रिंची उसको डाल देंगे। ज़बरदस्त टेस्टी टेस्टी ये कुरकुरी आपके पास क्रिस्पी कॉर्न तैयार है। आकर मुझे कमेंट द्वारा बताइए कैसी बनी। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू व्यूवर्स को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और बेल का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए।